स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल। जी हाँ, हम आपको बताते चलें, स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि कॉलेज प्रबंधक विपिन जेटली, वहीं विद्यालय प्रबंधक समिति की अध्यक्षा नीरू जेटली रही, जिनका स्वागत प्रधानाचार्य स्वाति शर्मा द्वारा फूलों का गुलदस्ता भेंट कर किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथियों द्वारा प्रदर्शनी का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। प्रदर्शनी में लगभग 80 से ज्यादा मॉडल्स बनाए गए जिसमें बच्चों की कुशाग्र बुद्धि का प्रदर्शन देखने को मिला। बच्चों ने ड्रॉन हाइड्रो, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, CNC ड्राइंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, एक्सीडेंटल प्रिवेंशनल सिस्टम, लेजर सिक्योरिटी सिस्टम एंड DC जनरेटर आदि तमाम मॉडल्स बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कुछ मॉडल्स ऐसे बच्चों द्वारा बनाए गए जो अध्ययन में अधिक ध्यान न दे पाने के कारण अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते, परंतु उनका दिमाग कहां कहां दौड़ता है इस बात का एहसास उनके द्वारा बनाए गए मॉडल्स को देखकर लगाया जा सकता है। मैम, आज आपके स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है, क्या उद्देश्य था इसका? बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस है आप तक देखने में? आज जो साइंस एजुकेशन लगी है उसमें मिनी सेक्शन से लेकर सीनियर सेक्शन तक के बच्चों को पार्टिसिपेट किया है, और द पर्पस ऑफ एग्जीबिशन इज वेरी क्लियर बिकॉज वी वॉन्ट चिल्ड्रन टू लर्न समथिंग। जब वो कुछ बनाएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ उसके बारे में जानेंगे, याद करेंगे, और आज जो बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जबकि प्रॉब्लम्स कंट्रीज पॉल्यूशन पॉल्यूशन कंजर्वेशन ग्रीनरी एंड साउंड पॉल्यूशन का बहुत उसने किया है, इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन के बारे में कई प्रॉब्लम्स बनाए हैं। तो नया जैसे अभी ड्रोन सिस्टम एक है, जो बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें हैं जो बच्चों की टेक्निकल साइड को भी एनहांस करेंगी, और बहुत कुछ नया सीखेंगे जो वो अपने घर से लेके जाएंगे पेरेंट्स के पास से। तो उस तरीके से समाज में एक लर्निंग। थैंक यू।